पुणे शहर के शिरूर इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 12वीं पास व्यक्ति अस्पताल खोलकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था। यह फर्जी डॉक्टर पुणे में 22 बेड का अस्पताल बीते कुछ सालों से चला रहा था। अपने अस्पताल में बोगस डॉक्टर ने कोरोना मरीजों के लिए अलग से एक वार्ड भी बनाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक कंपाउंडर था, जो फर्जी डॉक्टर बनकर बीते 2 साल से पुणे शहर में अस्पताल चला रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर यह अस्पताल फर्जी डिग्री और गलत नाम से चला रहा था। दरअसल यह मामला तब प्रकाश में आया जब आरोपी ने एक शख्स के साथ अस्पताल चलाने के लिए पार्टनरशिप की, फिर दोनों के बीच में पैसों को लेकर विवाद शुरू हुआ और यह मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुँचा। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की, तब यह सारा मामला खुल गया, जिसके बाद यह सच्चाई सामने आई कि यह डॉक्टर फर्जी है। 3 तारखेला आपण इथं पेशंट आणलं, त्यानंतर ज्या दिवशी ते पेशंट आलं ते व्यवस्थित हसत स्वतः बसून स्वतःच्या हाताने जेवत होतं, आणि जसं जसं हे होईल तसं तसं पेशंटची परिस्थिती खालवायला लागली। त्यांना आम्ही म्हणायचो की बाबा तुम्ही एनआयव्ही लावा एनआयव्ही लावा, पण त्यांनी काय ऐकलं नाही, नाही म्हणायचे फुफ्फुसात पाणी होईल हे होईल ते होईल, त्यांनी फक्त ओटूवरच ठेवलं। आणि आम्हाला खोटं सांगायचे की आम्ही वेंटिव लावलंय, नाही आम्ही एनआयव्ही कंटिन्यू ठेवतोय, आज जाऊन देत नव्हते नाही का, मग आम्ही पेशंट खात नाही म्हणून बळबळ आत जायचो। त्यानंतर रात्री 11-11 वाजता फोन करून आम्हाला पैसे द्या म्हणायचे की माणूस पाठवा पैसे गरजेचे, आम्हाला मेडिकलवाला थांबत नाही, रोजचे 20,000, 21,000, 17,000, 12,000 असं फक्त मेडिकल बिल करायचे। सदर डॉक्टर बद्दल बोगस आहे तुम्हाला कधी कळलं? डॉक्टर बोगस हे आम्हाला सकाळी कळलं। पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी डॉक्टर का नाम महबूब शेख है, जो डॉक्टर महेश पाटिल के नाम से फर्जी डिग्री के साथ मौर्या हॉस्पिटल चला रहा था। अब पुलिस इस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। डॉक्टर महेश पाटिल हॉस्पिटल मध्ये कार्यरत, त्यांच्या अंडर खाली पेशंट आहे, ते एका फ्रॉड मध्ये सापडला, आल्यावर आम्हाला त्यांनी आधार दिला, ट्रीटमेंट दिली आणि पेशंटच्या नातेवाईकडून खोटा खोटा आधार घेऊन भरपूर पैसे रोजच्या रोज माझ्याकडून घेण्यात आले। आणि पेशंटला तर 4-5 डोस देण्यात आले, तरी म्हटले फरक नाही, काय नाही काय नाही, डॉक्टर कुठल्या फ्रॉडमध्ये सापडले। आज रोजी आमच्या इथं हॉस्पिटलमध्ये दुसरेही भरपूर पेशंट आहे, त्यांच्या वाती महाभयंकर प्रसंग उद्भवलेला आहे। तर या पाटील सरांना आहे ना मोठीत मोठी शिक्षा झाली पाहिजे, अशा हॉस्पिटल अपेक्षा। जानकारी के मुताबिक आरोपी महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अब इस बात की भी छानबीन में जुटी है कि आरोपी ने अस्पताल चलाने के लिए जो फर्जी सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज बनवाए थे, उनका सूत्रधार कौन है। पुलिस अब उस आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार करने की तैयारी में है।